हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं देते हुए आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर धर्मांतरण पर लगे झूठे आरोप के विषय में और हमारा संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 25 टू 28 के विषय में जो भारत के हर नागरिक को मिला है, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, शायद आप लोगों ने क्रिश्चियन लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, जो सरासर झूठा है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कई लोग हैं जो गलत नीयत से क्रिश्चियन होते हैं और क्रिश्चियनिटी को बिजनेस का जरिया बनाकर बदनाम कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता बनकर क्रिश्चियनिटी को अंदर से खोखला बना रहे हैं, जिसका भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पूर्व ही कर दिया था। उन लोगों के लिए पेट ही उनका भगवान है, वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे कलंक है। सच्चा क्रिश्चियन कभी भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते, वे केवल प्रभु यीशु के सुसमाचार को हर देश और हर जाति के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु का आदेश है जो हमें हर हाल में पूरा करना ही है। पर जब हम सुनाते हैं तो सुनना ना सुनना, अपनाना या इनकार करना उनके ऊपर है। अब मेरा ही उदाहरण ले ले, एक समय ऐसा था जहां एक दिन एक क्रिश्चियन मिशनरी मुझे बाइबल से प्रचार करने लगा, तो मैंने उसे गाली देते हुए ये कहा था कि तुम क्यों एक बाइबल को लेकर प्रचार करते फिरते हो, हमारे पास भी तो वेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है इत्यादि, पर हम तो किसी को प्रचार करते नहीं घूमते, जिस धर्म में हो उसी में खुश रहो ना, कहकर मैंने उसे खूब डांटा था। लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला कि यीशु मसीह ही एकमात्र सिद्ध परमेश्वर है और वही एकमात्र उद्धारकर्ता है जो सारे मानव जातियों को पाप से बचा सकते हैं, तो मैंने उसी दिन प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया। अब ये मेरा निजी चुनाव था, किसी ने भी मुझ पर दबाव नहीं डाला था, और भारत का संविधान भी मुझे इस बात का अनुमति देता है कि मैं किसी भी धर्म को अपना सकूं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में अपना पूरा योगदान दिया, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ही सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि वे दलित समाज से थे और उन लोगों पर हाई कास्ट वाले लोग पशुओं जैसा बर्ताव करते थे। इसलिए मैं मेरे प्यारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी न्यूज आप देखे तो अंधाधुंध विश्वास ना करे, जिससे नफरत पैदा होती है, परंतु उस बात को जांच ले और रिसर्च करे, तभी विश्वास करे, और हमारा देश भारत को एक अच्छा सेकुलर कंट्री बनने में मदद करे, जहाँ हर जाति और धर्म के लोग प्रेम से रह सके। एनीवे, आप उस ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक कर उन सभी झूठे आरोपों के पीछे की सच्चाई प्रूफ के साथ देख सकते हैं। आइए अब हम देखें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 के बारे में और जाने अपने अधिकारों को। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल हमें कोई भी धर्म चुनने का आज़ादी देता है, कौन सही कौन गलत हम हमारे हिसाब से चुन सकते हैं और उसे प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। आइए अब हम आर्टिकल 25 को बारीकी से समझे। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशनशिप विद गॉड और क्रिएचर इन व्हाट एवर वे ही डिजायर। इसका मतलब कोई भी बंदा अपने गॉड के साथ अपने तरीके से व्यक्तिगत संबंध मजबूत बना सकता है, यहाँ कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे अपना तरीका नहीं थोप सकता। राइट टू प्रोफेस, डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी धारणाएं, अपने विश्वास को कहीं भी ओपनली कह सकता है या किसी के साथ भी अपना धर्म प्रचार कर सकता है। राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वर्शिप, रिचुअल्स एक्सेट्रा। इसका मतलब हम जो भी धर्म को मानते हैं उसके तरीके से आराधना, पूजा और नियम पालन कर सकते हैं, इसमें कोई भी हमें बाधा नहीं डाल सकते। उदाहरण के तौर पर योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं अपने धर्म को प्रोफेस और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उसी प्रकार इंडियन टीवी चैनल्स में हर सीरियल, रियलिटी शोज और अलग अलग चैनल पर ज़्यादातर हिंदू धर्म का प्रोफेशन और प्रैक्टिस फ्रीली करते हुए हम रोज देखते हैं। राइट टू प्रोपोगेट, ट्रांसमिशन एंड डिसिमिलेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स। इसका मतलब हम अपने धर्म के सुसमाचार, अच्छी बातें, आइडियाज किसी के साथ भी प्रचार कर सकते हैं और नया फॉलोअर्स या शिष्य अथवा चेला भी बना सकते हैं, यदि वो अपने मन से राजी हो तो, और उसे गाइड करके अपने धर्म को
सही तरीके से पालन करना सिखा सकते हैं। जहां यदि वो हिंदू हो तो मुंडन या जनेऊ पहन सकता है और ईसाई हो तो बपतिस्मा ले सकता है। However, these rites are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights. मतलब यदि कोई धर्म, दंगे फसाद, अनैतिक कार्य जैसे गलत कर्मों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की हानि और किसी को जबरदस्ती और धोखे और लालच से धर्म परिवर्तन करवाती है तो सरकार उन पर रोक लगा सकती है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब कोई भी व्यक्ति या एक समूह अपने धार्मिक संस्था अच्छे उद्देश्य के साथ खोल सकते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब अपने काम अपने तरीके से कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी कानूनन तरीके से ले सकते हैं। आर्टिकल 25 हमें व्यक्तिगत अधिकार देती है, तो आर्टिकल 26 एज ए होल किसी भी रिलीजन या समूह को कलेक्टिव आज़ादी या अधिकार देती है अपने धर्म मानने को। मतलब कोई भी धर्म के समूह अपने लोगों को ज्ञान देकर मजबूत बनाने के लिए या कोई भी प्रोग्राम, मीटिंग या सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, पर दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब जो कोई भी टैक्स पे कर रहे हैं, अगर उनका पैसा सरकार किसी एक धर्म के प्रचार में खर्च कर रही है तो हम टैक्स पे करने से इनकार कर सकते हैं। सरकार कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट कर प्रमोट नहीं कर सकती, उन्हें सबको बराबर देखना है। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्सेस एंड नॉट फीस, मतलब यहाँ किसी धार्मिक कार्यों या संगठन पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर उन्हें फीस यानी शुल्क जरूर देना पड़ेगा। आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल स्कूल, गुरुकुल, कॉलेज एक्सेट्रा, जो स्टेट फंड द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते। आर्टिकल 28 के अंदर चार प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। नंबर 1, होली मेंटेन बाय स्टेट फंड। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेट बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर ट्रस्ट। नंबर 3, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट। नंबर 4, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टोटली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य नहीं होते हैं। नंबर 2 पे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट का है परंतु स्टेट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, उन पे कुछ हद तक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलेगा, यानी धार्मिक कार्य को आप कर सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं, उन पे आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, पर ध्यान रहे कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से करे पर किसी की जबरदस्ती से नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी संवैधानिक अधिकार जो भारत सरकार देश के हर नागरिकों को देती है कि वे अपना अपना धर्म अपने प्रकार से मान सके, प्रचार कर सके और अभ्यास कर सके। अपने अधिकारों को जानिए और निडर होकर कानूनी तरीके से यानी लीगल वे में अपना धार्मिक कार्य भी करते जाइए। भारत सरकार भी आपके साथ है, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री जहां हर धर्म के लोग आपस में प्रेम से मिल के रहने का पूरा हक रखते हैं। तो दोस्तों, ये था धर्मांतरण के खिलाफ झूठे आरोपों का खंडन और आर्टिकल 25 टू 28 के विषय में कुछ जानकारी। कैसा लगा अपना रेस्पॉन्स जरूर दे। अच्छा लगे तो हर मसीही भाइयों तक इसे जरूर पहुँचाए ताकि वे भी अपना अधिकार जान पाए और निडर होकर प्रभु यीशु के आज्ञा को पालन कर सके। जय मसीह की जय हिंद।